हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल एजुकेशन साइकोलॉजी बाय डॉक्टर नीरज कुमार में। आज का यह वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यह सभी बच्चों के भविष्य के साथ संबंधित है। इस वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया है। बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आने वाले समय में आपको सभी एजुकेशनल वीडियोस मिलती रहें। आज का टॉपिक है कि क्यों बच्चे मेहनत करने के बाद भी अच्छे नंबर नहीं ले पाते। मेरे टोटल 14 साल के एक्सपीरियंस में आम तौर पर बच्चों का यही क्वेश्चन होता है कि हम मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन फिर भी हमारे पेपर में उतने मार्क्स नहीं आते जितने वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं, कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाती है। इसलिए आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि बच्चों को क्या और कैसे करना चाहिए ताकि बच्चे पेपरों में अच्छे नंबर ले सकें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहला पॉइंट है, रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड आंसर ओनली व्हाट इज आस्क्ड। इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़िए, उसमें जो पूछा गया है उसी का उत्तर हमने लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, क्वेश्चन है डिफाइन इंटेलिजेंस एंड एक्सप्लेन इट्स नेचर। इस क्वेश्चन में एक तो हमें इंटेलिजेंस की डेफिनेशन लिखने के लिए कहा गया है और दूसरा उसकी नेचर बताने के लिए कहा गया है, तो हम इन्हीं दो बातों को पेपर में लिखेंगे। इसके अलावा एक्स्ट्रा हम कुछ नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें मार्क्स जो पूछा गया है वही लिखने के मिलेंगे। अगर हम एक्स्ट्रा लिखेंगे शीट्स को भरने के लिए तो उसके मार्क्स हमें नहीं मिलेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में हमने दो तीन डेफिनेशंस लिखनी है इंटेलिजेंस की और उसकी नेचर लिखनी है। इसके अलावा हमने उसकी एडवांटेजेस, लिमिटेशंस, मेजरमेंट, इसके अलावा जो हमें आता है हमने वो कुछ नहीं लिखना, क्योंकि अगर हम लिखेंगे भी तो हमारा एक तो टाइम खराब होगा और हमें उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है मार्क्स। हर क्वेश्चन के पीछे मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन दी होती है ब्रैकेट में। जैसे हमने अभी एक क्वेश्चन डिस्कस किया फॉर एग्जाम्पल के लिए, डिफाइन इंटेलिजेंस एंड एक्सप्लेन इट्स नेचर, पीछे ब्रैकेट में लिखा हो सकता है 2.6। इसका मतलब है दो नंबर की डेफिनेशंस है और 6 नंबर की नेचर एक्सप्लेन करनी है। तो आंसर शीट में जब हम लिखते हैं आंसर तो उसमें एक बात ध्यान देनी है कि कितने मार्क्स का कौन सा पोर्शन है क्वेश्चन का, क्योंकि अगर 2 नंबर की डेफिनेशंस हैं तो हमें उसके अकॉर्डिंगली शीट को भरना है। 1 या 1.5 पेज बहुत है उसके लिए। अगर हम 2 नंबर के लिए पूछे गए क्वेश्चन में अगर हम 4 शीटें भर देंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसके नंबर तो हमें 2 में से ही मिलेंगे। अगर हम डेफिनेशंस के लिए 4 पेज भर देंगे तो हमें नंबर सिर्फ 2 में से ही मिलेंगे मैक्सिमम, और जो 6 नंबर के लिए हमें नेचर पूछी है अगर हम उसके लिए 1 पेज भरेंगे तो उसमें हमें नंबर कम मिलेंगे। तो मार्क्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हमें क्वेश्चन के बाद पीछे दिए हुए मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन को जरूर देखना है, वो 2 या 6 है अगर टोटल मार्क्स 8 हैं, या 3 और 5 भी हो सकती है, या इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकती है, उसमें 4 और 4 की डिवाइड भी उसमें किया हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि पहले वही क्वेश्चन करें जो क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से आता है। उसका एक फायदा ये होता है कि जो एग्जामिनर है उस पर इसका अच्छा असर पड़ता है, आपका जो इम्प्रेशन है वो अच्छा पड़ता है, एग्जामिनर को लगता है कि इसको क्वेश्चंस आते हैं। इसके विपरीत अगर आप पहले ऐसा क्वेश्चन करोगे जो आपको अच्छी तरह नहीं आता और आप उसमें कुछ गलतियां भी करोगे या प्रॉपर क्वेश्चन नहीं लिखोगे तो एग्जामिनर पे आपका गलत इम्प्रेशन पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले क्वेश्चन वही करें जो आपको बहुत अच्छी तरह से आता है और बाद में उन क्वेश्चंस को करें जो आपको कम आते हैं, क्योंकि आप बाद में अगर टाइम बचता है तो उसको सोच विचार करके उन पे कुछ ना कुछ आप उसका लिख सकते हैं।
लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान देनी है कि जो क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से आता है उस पे बहुत ज्यादा समय खराब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप पहले क्वेश्चन को बहुत ज्यादा टाइम लगा दोगे तो आपके पास पिछले क्वेश्चन जो हैं, बाकी क्वेश्चन हैं, उनको करने के लिए आपके पास बहुत कम समय बचेगा। इसलिए बड़े ध्यान से पहले वो क्वेश्चन करें, टाइम बाउंड होकर क्वेश्चन करें जो आपको पहले अच्छी तरह से आता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि मान लो आपको फोर्थ क्वेश्चन जो क्वेश्चन पेपर में दिया गया है वो आपको अच्छी तरह से आता है, लेकिन आप उसको पहले नंबर पे करना चाहते हैं, तो आप आंसर शीट में भी वही क्वेश्चन नंबर लिखेंगे जो क्वेश्चन पेपर में दिया गया है। कई बार बच्चे इसमें गलती करते हैं कि बच्चे अगर पहले नंबर पर चौथा क्वेश्चन कर रहे हैं तो वो अपनी आंसर शीट पे उसका आंसर नंबर 1 डाल देते हैं। ये गलती नहीं करनी, उसमें आंसर शीट में भी आप आंसर नंबर 4 डालेंगे अगर आप क्वेश्चन पेपर में दिए गए फोर्थ क्वेश्चन को कर रहे हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है हैंडराइटिंग। हैंडराइटिंग पे बहुत ध्यान देना है, क्योंकि जो आप लिख रहे हो उस लिखे हुए को एग्जामिनर ने पढ़ना भी है। आप टाइम प्रेशर में आके लिख तो देते हो, पूरा क्वेश्चन पेपर भी अटेम्प्ट करते हो, लेकिन वो हैंडराइटिंग इतनी गंदी हो जाती है कि एग्जामिनर को वो समझ ही नहीं आता जो आपने लिखा है। इसलिए हैंडराइटिंग का बहुत ध्यान रखना है। आप घर में क्वेश्चंस को लिख लिख के देखो, टाइम प्रेशर के साथ लिख के देखो, ताकि आपको एक्सपीरियंस हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए कि कम समय में आप कितनी स्पीड से और कितना सुंदर लिखाई लिख सकते हो। क्योंकि अगर आपका लिखा हुआ एग्जामिनर को समझ में नहीं आएगा तो वो आपको पढ़ के नंबर कैसे देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आज हमने इस वीडियो में 5 पॉइंट डिस्कस किए हैं जिससे बच्चे पेपर में अच्छी तरह से लिख सकते हैं और अच्छे नंबर ले सकते हैं। नेक्स्ट 5 पॉइंट्स हम अगली वीडियो में कवर करेंगे, जो कि मैं बहुत जल्दी बनाने वाला हूं। तो आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए एजुकेशनल वीडियोस। थैंक यू।